राजबाग श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली शनो नज़ीर, जिन्होंने महकमा एजुकेशन में बहसियत मास्टर मेहनत और लगन के साथ अपने फ़राइज अंजाम दिए, मगर उनकी सबकदोशी के बाद महकमा के अफसरान ने उन्हें काफ़ी तकलीफ पहुंचाई। शनो नज़ीर 7 जनवरी 2021 को अपनी नौकरी से सबकदोश हो गई, मगर महकमा की तरफ से उन्हें सबकदोशी की कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिली, जबकि आज तक 5 महीने भी हो गए और उन्हें रिटायरमेंट की जो रकम महकमा से मिलती है वो भी उन्हें नहीं मिली। जबकि इस मसले को लेकर उन्होंने अपने बेटे के हमरा कई बार दफ्तरों के चक्कर काटे और डायरेक्टर एजुकेशन ने उन्हें यकीन भी दिलाया, मगर चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर ने कई बार उनके बेटे के साथ ज़्यादती की और उनके साथ नाशायस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए। शनो नज़ीर ने अब गवर्नर इंतज़ामिया से मोदबाना अपील की है कि इस मामले में अज खुद मुदाखलत करके हमें अपना हक दिलाएं। कश्मीर क्राउन की ये खास रिपोर्ट। ये जो प्रोटेस्ट है यहाँ पे, ये सीईओ श्रीनगर के खिलाफ प्रोटेस्ट है, चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो श्रीनगर का है उसके खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके मिसबिहेवियर और अनप्रोफेशनल बिहेवियर के लिए। उसका जो बिहेवियर है बहुत अनप्रोफेशनल है, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, ब्रीफ करता हूँ हुआ क्या। ऐसे मसला है सर, मेरी मदर जो है शी हैज़ बीन अ टीचर फॉर मोर देन 30 ईयर्स। श्रीनगर का ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ पे उसने अपनी सर्विसेज दी नहीं है। 30 साल के बाद जब वो रिटायर होती है तो उसकी रिटायरमेंट नोटिफिकेशन नहीं निकलती है। जनवरी में वो रिटायर होती है, आज इट हैज़ बीन मोर देन 7 मंथ्स, उसकी रिटायरमेंट नोटिफिकेशन नहीं निकली। जब ये कंप्लेंट्स लेके मैं सीईओ के पास गया, मैं उसके पास बार बार 6 महीने से 7 महीने से जाते रहा हूँ। उसका बिहेवियर, उसका और वहाँ पे उसका एक क्लर्क है जावेद के नाम से, उनका बिहेवियर बहुत गंदा है वहाँ पे, दे मिसबिहेव विद पीपल। जब आज हद हो गई, उसने इतना मिसबिहेव किया, मैं उसकी कंप्लेंट लेके डायरेक्टर के पास चला गया। डायरेक्टर साहब और जो उसका पीओ थे, दे अशोर्ड मी के विल टेक एक्शन रिगार्डिंग दिस थिंग एंड दे अशोर्ड मी के आपका काम हम देख लेंगे। सीईओ को मीनवाइल किसी ने बता दिया शायद ये आपकी कंप्लेंट लेके डायरेक्टर ऑफिस चला गया है। मीनवाइल सीईओ भी आ जाता है, जो ही मैं डायरेक्टर ऑफिस से नीचे आता हूँ मैं उधर सीईओ को देखता हूँ। सीईओ मुझे बुलाता है और ही स्टार्टेड हैरेसिंग मी, और वहाँ पे मुझे वो बोलना शुरू करता है कि अब तू हायर अथॉरिटी के पास चला गया, आई मेक श्योर तेरा केस जो है वो 3 साल में रगड़ू, ऐसे वो बोलता है। जब जो ही जो ये बोलता है, मैं अपना मोबाइल निकाल के आई स्टार्टेड फिल्मिंग हिज वर्ड्स, जिसका वीडियो मेरे पास रिकॉर्डिंग है। जब ही वो देखता है कि ही स्टार्टेड फिल्मिंग, ही गेट्स फ्यूरियस एंड स्टार्ट्स रनिंग ओवर देयर, स्टार्ट्स रनिंग द स्पॉट एंड लीविंग द स्पॉट। ठीक, मैं ये प्रोटेस्ट इसलिए मार्क कर रहा हूँ, मैं उसको सीईओ को बताना चाहता हूँ कि हम यू आर अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी एंड एज वेल वी आर द पार्ट ऑफ अ सोसाइटी। कम से कम एक तरीका रखो, एक हाउ डू यू बिहेव विद योर सबॉर्डिनेट जिसने 30 साल से वीडियो उसके बाद। और जो ये प्रोटेस्ट है, ये मैं खाली अपनी माँ के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं हर उस लेडी, हर उस रिटायर्ड टीचर, हर उस रिटायर्ड बहन, हर उस रिटायर्ड माँ के लिए कर रहा हूँ जिसको रिटायरमेंट के बाद ये दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर करते हैं। जो ये अभी ये नारा है सीईओ के खिलाफ, ये आपने खुद बनाया है नारा? हाँ, ये मैंने नारा बनाया सीईओ गेट वेल सून, बिकॉज मुझे लगता है उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। जो भी बंदा आता है ही स्टार्ट्स फाइटिंग विद हिम, तो उसी लिए एक नारा है सीईओ गेट वेल सून, CEO get well soon, CEO get well soon, and we are starting a series of protests regarding him. अगर वो अपनी इन हरकतों से, अपने इस बिहेवियर, अनप्रोफेशनल बिहेवियर चेंज नहीं करता है, ये आज प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा, ये प्रोटेस्ट अगली बार हम उसके ऑफिस में करेंगे, उसके रेजिडेंस के पास करेंगे, we'll start a protest series regarding him, जब तक वो अपना बिहेवियर ठीक नहीं करता है। थैंक यू सर। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.